व्यूवर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा फेस टू इन्होंने बनाया है। और ये इसका लॉन है इनका सोसाइटी का। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका इवेंट का स्टार्टिंग हो चुकी है। आज इनका इवेंट है यहाँ से 8 तारीख से 12 तारीख तक का इनका ये सर्कस मेला लगा हुआ है। व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये देखें आप माशाल्लाह से फुल सर्कस मेला इनका स्टार्ट हो चुका है। और ये इनका बुकिंग ऑफिस है व्यूवर्स, GFS बिल्डर एंड डेवलपर वालों का, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और ये आप देखें, ये हाईवे है व्यूवर्स। जिन लोगों को ये इस रास्ते का इल्म नहीं है, मैं उनको बताता हूँ कि ये कौन सा रास्ता है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं व्यूवर्स, ये आ रही हैं नॉर्दर्न बाईपास से। ये नूरानी होटल, बकरा मंडी, आपने देखा होगा बकरा ईद में यहाँ पर बकरा मंडी लगती है नूरानी की, और जानवरों की मंडी लगती है। ये बेसिकली जो है नॉर्दर्न बाईपास वाला एरिया है, जो नॉर्दर्न बाईपास से यहाँ पर हमारे कराची शहर की तरफ आ रहा है। और यही रास्ता सीधा जो है ये आपका जा रहा है चुंगी की तरफ, और चुंगी से सीधा रास्ता मंगोपीर को जाता है। राइट पे जो है आपका औरंगी टाउन की तरफ निकल जाता है, इज्तमागा की तरफ निकल जाता है। और लेफ़्ट पे जो है व्यूवर्स आपका जो है ये सुरजानी टाउन आ जाता है। और आगे मंगोपीर की तरफ से नया नाजमाबाद का रास्ता, भुट्टो कॉलोनी, कब्ज़ा कॉलोनी साइड एरिया। तो व्यूवर्स, ये फ्यूचर में है इंशाल्लाह ताला, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये साइड एरिया से मुंसलिक कर दिया जाएगा। और साइड एरिया आपको जैसा पता है इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से उनको काफ़ी फ्रेट जो है वो महंगा पड़ता है, फेयर जो है वो महंगा पड़ता है, लोडिंग अनलोडिंग का मसला रहता है, डीजल का इशू रहता है। तो इस वजह से गाड़ियाँ मवाज घोट की तरफ से होती हुई आती हैं, पराचा पुल की तरफ से, बल्दिया पुल की तरफ से, और शेरशाह पुल की तरफ से होकर हब चौकी की तरफ से घूम कर आती हैं, और वो जो है यहाँ पर नॉर्दर्न बाईपास पे से फिर सीधा आपके हाईवे की तरफ चली जाती हैं। जो अप कंट्रीज़ की जो कार्गोज़ होते हैं, जो गुड्स होती हैं, वो यहाँ से जो है व्हीकल्स बहुत कॉस्टली पड़ती है, उसका डीजल, उसके एक्सपेंस, उसके फेयर बहुत महंगे पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ग्रीवेंसेज हैं इस वक्त व्यूवर्स। उसकी वजह ये है कि मेन जो किरदार आपकी जो इन्फ्लेशन होता है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट और डीज़ल और ये दूसरी चीज़ें भी उसमें यूटिलिटीज़ में शामिल होती हैं। तो व्यूवर्स, ये फेज़ टू है, तो फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और ये मेरे जहाँ पे इस वक्त कैमरा है, ये अपोजिट इस वक्त इनका ब्लॉक 3 है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। एक ये बहुत लाइट है, रात का टाइम है इस वक्त, कोई तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है, जैसा कि मैं यहाँ पर वीडियो कवर कर रहा हूँ। और मेरी फैमिली इस वक्त अंदर है, वो इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये यहाँ पर जो है ये इस तरीके से मेला स्टार्ट है, और आप लोग आएँ, आके इस जगह का विज़िट करें। और ये जो रोड है सीधा, ये बिल्कुल हाईवे बन जाएगा आपका, बिल्कुल बनारस से होता हुआ साइड एरिया नौरा चौरंगी बड़ा बोर्ड को टच करता हुआ पुराना गोली मार्ग को जाके निकलेगा। तो ये वही रोड है सीधा जो आ रहा है, जो यहाँ से जाने वाला रोड जो है वो नॉर्दर्न को जा रहा है, और वापसी वाला जो रोड है वो आपका शहर में आ रहा है, कराची शहर में। तो व्यूवर्स, चलते हैं अंदर, देखते हैं। ये GFS का ऑफिस है मेन रोड के ऊपर, आपको जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको नज़र आ जाएगा। तो हम चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं कि किस तरह का इवेंट चल रहा है और क्या हड़ाहुड़ी हो रही है यहाँ पर बच्चा पार्टी के हिसाब से। तो आप देखें अपनी आँखों से, और अभी तो आज फर्स्ट डे है, अभी इनका इनिशिएटिव है और अभी ये स्टार्टिंग है। तो आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला ये और मज़ीद गेमा गेमी हो जाएगी, कल से और तेज़ी आ जाएगी इसके अंदर। तो ये 4 दिन का इवेंट है, 8 तारीख से 12 तारीख तक का। ठीक है व्यूवर्स, चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं कि किस तरीके से इवेंट इन्होंने सजाया है।